चाहेंगी ऑडियंस, जो लाइव ऑडियंस आई थी उनके थ्रू आप बाहर आई हो, क्या कहना चाहूंगी? आपकी जगह अगर कोई निकलना चाहिए था तो कौन निकलना चाहिए था? मुझे हम चार जो नॉमिनेटेड लोग थे उनमें से मुझे ऐसा उस वक्त लगा था कि शायद विकी भैया निकलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वोट, बट अनफॉर्चुनेटली मैं निकल गई। आयशा, आप घर में जाने का आपका मेन मोटिव क्या था? आप क्या मुनावर के बाहर आने का वेट नहीं कर सकती थी? क्या कुछ सोच के आप घर में गई थी? इस चीज़ के बारे में मैं शो पे भी बात कर चुकी हूँ, ये इस बारे में मुनव्वर खुद एक्सेप्ट कर चुके हैं कि अगर ये टॉपिक घर के बाहर हो रहा होता तो इस टॉपिक को इंटरटेन भी नहीं करते। एंड इट वाज नॉट जस्ट अबाउट हिज एंड माइंड पर्सनल लाइफ, बट इट वाज आल्सो अबाउट द स्टैंड दैट आई वांटेड टू टेक। यू नो, मैं चीटिंग को नॉर्मलाइज नहीं करना चाहती। मेरे लिए इट्स अ वेरी बिग इशू एंड अ वेरी बिग प्रॉब्लम जो आज हमारे यू नो कम्युनिटी में बहुत फैल चुका है। ईशा, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, सॉरी, आपने एंट्री तो ली थी धमाकेदार, लेकिन उसके बाद आपका गेम बहुत स्लो हो गया, फिर अचानक आपको नॉमिनेशन में डाल दिया गया। उसके बाद आपने जो भी बोला मुनावर के लिए, जो भी आपने कहा था कि मैं प्रूफ लेकर आई हूँ, बाहर उनका ये चल रहा है वो चल रहा है, तो इतने दिन आप चुप क्यों थी? आपने क्यों नहीं बोला जबकि इस चीज़ को वीकेंड के वार पर भी एड्रेस किया गया था? मैंने प्रूफ्स वाली बात डे वन पे भी बोली थी जब मैं आर्काइव रूम में आई थी, तभी मैंने क्लियर कर दिया था कि आप अगर मेरे अगेंस्ट कुछ भी झूठ बोलते हैं तो मैं बाहर प्रूफ्स देकर आई हूँ और मैं ऐसे ही नहीं आई हूँ। एंड रही बात कि यू नो, मैं बहुत जोश से आई थी और फिर जो मेरा गेम डल होने की बात है, हाँ मुझे भी इस चीज़ का रिग्रेट है कि शायद अगर मैं उस इमोशनल चीज़ में ना बही होती तो मैं एज अ कंटेस्टेंट बेटर कर पाती, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। एंड रही बात मैं नॉमिनेशन की वजह से मैंने चीज़ें नहीं बोली थी, जो रीज़न यूज़ हुआ था नॉमिनेशन में दैट इज़ वॉट हर्टेड मी कि यू नो, आप अगर मुझसे कह रहे हैं कि यू नो पर्सनल चीज़ों को असाइड रख के गेम पे फोकस करते हैं, गेम पे फोकस करते हैं, एंड आप ही गेम के लिए मेरा मुझे एक पर्सनल रीज़न दे के नॉमिनेट करें। अगर वो मुझे नॉमिनेट नहीं करते तो भी मैं नॉमिनेट होने वाली थी, पूरा घर का हाथ था ही मेरे नॉमिनेशन के पीछे। सो इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ नॉमिनेशन, इट वॉज बिकॉज ऑफ द रीज़न। बहुत सारे यू नो आपके आपको और मुनव्वर को लेकर, ब्रेकअप को लेकर, या नाजिला के साथ जो भी रिलेशनशिप है उसको लेकर बहुत ज्यादा बातें हो रही है, जबकि मीडिया में ये चीज़ें पता नहीं थी। आपने नाजिला के एक पोस्ट पे कमेंट किया था, उसके बाद आप खुद ही पॉडकास्ट पर आकर अपनी फ्रेंड के आपने खुद ने बोला, तब तक के मीडिया में ये बात आई भी नहीं थी। फिर आपने ये क्यों कहा कि बहुत सारी बातें हो रही है हमारे ब्रेकअप और रिलेशनशिप को लेकर? फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो पॉडकास्ट वाली बात है या मेरे कमेंट करने की बात है, मैं तो खुद ही मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ कि यू नो, मैं खुद ही अपने सोशल मीडिया पे ये चीज़ जैसी जिस दिन मुझे पता चली थी उसी दिन पोस्ट करने वाली थी इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियो बना के, क्योंकि आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम अगर मेरे साथ किसी ने गलत किया, कोई अपने पब्लिक इमेज का मिसयूज़ कर रहा है तो मैं क्यों ना बोलूँ उस चीज़ के बारे में। तो ये मेरा ही डिसीजन था कि हाँ मैं उसकी चीज़ के बारे में बात करना चाहती हूँ, बट पॉडकास्ट के पीछे ऐसा कुछ भी नहीं था। जब वो पॉडकास्ट हुआ भी था तो मैंने किसी का नाम नहीं लिया था, वो एक बहुत फन एक कैजुअल पॉडकास्ट था एक मेरे जूनियर के साथ, और मैंने वो किया था बस उस इंटेंशन से, और मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि वो मुझे बिग बॉस पे जाना है तो उसका रास्ता ये पॉडकास्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं था। आयशा जी, जैसे कि नाजिला के साथ वो रिलेशनशिप में थे मुनावर, क्या वो एक साथ कई सारी वो लड़कियों को डेट कर रहे थे? क्या नाजिला ने आपको ये बताया था? क्या इसके बारे में कुछ अगर आप बता सकते हैं? मैं करूंगी कि नाजिला ने कहा था कि मैं अपनी जो पर्सनल चीज़ है वो नेशनल टेलीविजन पे नहीं लाना चाहती हूँ, वो चीज़ें उन्होंने आपको बताई थी लेकिन आपने सब कुछ जाके नेशनल टेलीविजन पे खोल दी। जी नहीं, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इस टॉपिक पे ज़्यादा एग्जैजरेट नहीं करना चाहती, बट आई वॉन्ट से सिर्फ उनसे रिलेटेड बहुत सारी जो इस सिचुएशन से रिलेटेड चीज़ें थी उसमें मुझे ऐसा फील होता है कि वो हीट ऑफ द मोमेंट में आप चीज़ें बोल देते हो। मैं शायद कुछ चीज़ें ना बोलती तो मैं खुद भी आज एक बेटर पोजिशन पर होती, बट मुझे रिग्रेट है बहुत चीज़ें बोलने का, बट मुझे पता है कि मैंने सच बोला है, झूठ नहीं। सो दैट इज़ समथिंग आई एम वेरी प्राउड ऑफ। आयशा, ये सोसाइटी ऐसी है कि लड़कियों को ज़्यादा यू नो इज्जत नहीं दी जाती है, इनफैक्ट आज भी अगर लड़कियाँ किसी को एक्सपोज करती तो इज्जत नहीं दी जाती है, बाहर आपको बहुत ट्रोल भी किया जा रहा था इस मामले में, तो आप क्या कहना चाहोगे? और जो मुनावर की फैंडम है वो भी काफी आपको ट्रोल कर रही है, शख्स उनके जो पीआर टीम है वो भी ट्रोल कर रहे हैं हर जगह, तो आप कैसे देख रहे हैं ये ट्रोलिंग को, किस तरह से आप झेलने वाली है, कुछ अगर आप बता सके? मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि आप और हम क्या सोचते हैं, और जो रियल लोग हैं और जो जो सेंसिटिव लोग हैं वो क्या सोचते हैं। जब आप किसी के फ़ैन होते हो, अगर मैं भी किसी की फ़ैन हूँ, तो आप एक हद तक भूल जाते हो कभी कभी कि मोरली क्या सही और क्या गलत है। मैं भी शायद अगर किसी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और उसके बारे में कुछ कोई बोले तो दैट वोंट चेंज मी फ्रॉम अ
फैन टू समबडी एल्स, तो वो प्यार में वो क्रेजीनेस समझती हूँ एंड मैं उस चीज़ की रिस्पेक्ट करती हूँ. बट रही बात जो ट्रोलिंग और हेट की है, तो फॉर वेरियस रीजन आपको हमेशा व्हेन यू आर पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री वो ट्रोल और वो हेट मिलता ही रहता है. आई जस्ट वांट टू लुक ऑन द पॉजिटिव साइड और अच्छी चीज़ों की तरफ. अंजलि अरोरा ने भी आगे आके बोला है कि इस तरह के स्टेटमेंट दिया है कि जिस तरह से आपने कहा कि लव गेम म्यूजिक वीडियो, उसी तरह से उन्होंने भी यही कहा है, स्टेटमेंट दिया है कि लड़कियों को इस तरह का फंसाते हैं मुनावा फारूकी. तो आप क्या कैसे देखते हैं, कई सारी महिला है जो आगे आके उनको बोलना चाहिए जिस तरह से आपने बोला है. हाँ मतलब मैं अगर इस चीज़ में, मुझे ऐसा लगता है अगर मैं इस चीज़ में यू नो ये स्टैंड ले रही हूँ, तो अगर किसी को फील होता है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, एंड इट्स नॉट जस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मुनव्वर, किसी और लड़के की भी टूवर्ड्स या किसी और ने भी उनका गलत किया, तो आई थिंक आपको उस चीज़ के बारे में बात करना चाहिए एंड यू शुड बी वोकल अबाउट इट. आयशा ये देखा जाता था कि जब आप नॉमिनेट होती थी तब जो है आप मुनव्वर से लड़ती थी, उससे पहले आपका और मुनव्वर का रिलेशन सही होता था, लेकिन जैसे ही बारी नॉमिनेशंस की आती थी आप लड़ना शुरू कर देती थी, इस पे क्या कहते हैं? अगर मुझे गेम का इतना ही क्रेज होता तो शायद वो जो यू नो मुझे नॉमिनेशन और इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता, तो वो जो मेरा 10 दिन का पीरियड था जिसके वजह से मेरे बाकी घर वालों से रिश्ते ख़राब हुए, मैं वो ना करती और मैं इमोशंस में ना बहती. बट मेरे लिए उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं क्या फील कर रही हूँ क्या नहीं, रादर देन मैं नॉमिनेट हो रही हूँ या नहीं, या मैं क्या कर रही हूँ, गेम में कैसे जा रही हूँ वगैरह वगैरह. नहीं आई थिंक दिस, आई टेक दिस एज अ कॉम्प्लीमेंट अगर किसी को लगता है कि मैं एक बिग बॉस मटेरियल हूँ. बट नहीं, मैं ये सब सोच के घर नहीं आई थी कि यू नो, और आई थिंक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में तो ये लोगों को पता ही होगा, हम आम घर में भी जब जो फैमिलीज़ बिग बॉस देखती है हम घरों पे भी कमेंट करते हैं कि मेरी बेटी तो एकदम मतलब बिग बॉस जाएगी तो आग लगा देगी टाइप्स, तो वो वैसा सॉर्ट ऑफ कमेंट था एंड नॉट कि उस एक कमेंट के वजह से मैं ये डिसीजन ले लूँ कि मुझे बिग बॉस करना है. आयशा देखा जा रहा था कि विकी भाई भैया जो है वो आपको गलत तरीके से टच कर रहे थे, बट आपने उस चीज़ का स्टैंड नहीं लिया. अगर वहाँ पर देखा जाए तो वो बहुत ही गलत तरीके का टच था. बिल्कुल भी नहीं, और आई थिंक जैसा आप सब देख चुके हैं कि मैं बहुत वोकल हूँ मेरे साथ जो सही होता है और सही जो गलत होता है उसको लेकर. और अगर मुझे 1% भी फील होता कि यू नो विकी भैया का टच या उनका मेरे टूवर्ड्स कंडक्ट जो है वो गलत है या उनके इंटेंशंस गलत है, तो मैं उसी वक्त उनको रोकती और वहीं शो पे उनको उस चीज़ के ऊपर कॉल आउट करती. बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया है कि उनका जो मेरे टूवर्ड्स बिहेवियर है या जो उनका मेरे टूवर्ड्स जो टच है या कंडक्ट है वो गलत है, एंड ही इज़ not the kind of person जो portray हो रहा है या जैसे वो लग रहे हैं. आयशा ये भी जानना चाहेंगे, आप जब घर में गई थी आपने कहा था कि आपकी मम्मी मनारा को बहुत ज़्यादा पसंद करती है, क्या आपकी मम्मी अब भी मनारा को बहुत पसंद करती है, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से आपका बॉडी शेम किया है, जिस तरह से आपके कैरेक्टर पर उछाला है कीचड़, और आपको उन्होंने चीप तक का कहा है, क्योंकि जब आप मनारा से बात करती थी और तुरंत सेकंड में आप जाकर अगर मुनव्वर से बात करती थी उनको लगता था कि आप चीप हो, क्या अभी भी आपकी मम्मी पसंद करती है? वो उनका पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है मनारा का कि वो मेरे बारे में क्या सोचती हैं, एंड मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो यू नो शी इज़ वेरी ओवर एक्सप्रेसिव अबाउट व्हाट शी फील्स, एंड आई थिंक वो उस जोन में वो चीज़ें बोल देती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी जो शायद वो मीन भी नहीं करती हैं. रही बात मेरी मम्मा की, तो मैं मम्मी से अभी तक मिली भी नहीं हूँ, मेरी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई है, शो पे जाने से 1-1.5 महीना पहले तक मैं उनसे मिली नहीं थी. अभी ये जब इंटरव्यू चल रहा है मम्मा घर पे मेरा वेट कर रही है, आज वो वापस आई है, तो अब जाके मैं मिलूंगी और पता करूंगी कि वो क्या फील करती हैं. कि शो के बाद आप मुनव्वर से मिलकर और नाजिला के साथ बैठकर चीजें डिस्कस करना पसंद करेंगे या चीजें अवॉइड करना पसंद करेंगे? और आगे आपका रिलेशनशिप, अभी आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है विद मुनव्वर? हम बहुत मेरे साइड से एटलीस्ट मैं बहुत क्लियर हूँ, और मुझे ऐसा लगता है वो भी अपने साइड से बहुत क्लियर है कि उनको मेरे साथ कुछ नहीं रखना और मुझे उनके साथ कुछ नहीं रखना, एंड हम इन चीज़ों से बाहर आ चुके हैं. एंड रही बात नाजिला की, तो आई एम बिन ट्राइंग टू अवॉइड दैट टॉपिक, मैं बिकॉज ऑलरेडी वो एक बार एक्सप्रेस कर चुकी हैं कि यू नो शी डजेंट वॉन्ट दिस टू बी डिस्कस, तो मैं इस चीज़ के बारे में कुछ भी अगर मुझे फील भी होता है मैं नहीं बोलना चाहूँगी. आई वॉन्ट कट दिस टॉपिक राइट हेयर, एंड नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी जोन या ऐसा कुछ भी किसी चीज़ की ज़रूरत है जहाँ हम तीनों को साथ बैठ के कुछ भी डिस्कस करने की नीड है. बट आयशा जब आप घर में आई थी आपने कहा था कि आप नाजिला का नाम बार बार ले रहे हो, आप मेरे साथ तब बाहर यू नो कमिट कर आए थे या हमारा जो भी आपका रिलेशनशिप था, बट वहीं मैं बात करूँ आप जिसके लिए अंदर गई थी फाइट करने के लिए अपने लिए भी और नाजिला के लिए भी, उन्होंने आपको अनफॉलो भी कर दिया इंस्टाग्राम से, और आपने भी इनफैक्ट उन्हें अनफॉलो कर दिया, और वो बाहर आपके लिए भी स्टैंड नहीं ले पा रही है.
अगेन इट्स समबडीज पर्सनल डिसीजन किसी को किस चीज़ पे स्टैंड लेना है नहीं लेना है. और मैं शो पे जब जा रही थी तब भी मैंने किसी से भी नॉट जस्ट हर किसी से भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई मेरा साथ दे या मुझे सपोर्ट करे. मैं खुद में इतनी कैपेबल हूँ कि मैं अपनी बात खुद रख सकूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है अपना स्टैंड लेने की. और रही बात अनफॉलो करने की, तो नहीं, मेरे साइड से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है. मैं तो थी भी नहीं जब मैं वापस आई, तब मैंने देखा तो आई एम श्योर उनको सर्टेन चीजों का बुरा लगा होगा और उन्होंने अनफॉलो किया होगा और फॉलोवर से भी रिमूव कर दिया होगा. आयशा, एक सवाल मेरा है, डबल डेट भी कर रही थी. अब वो उन दोनों के बीच की बात है, वो मुनव्वर बेटर बता पाएंगे आपको. आयशा, अब मुनव्वर को लेके ये भी आ रहा है कि उनके बच्चों को लेकर काफी बात आ रही है कि नाज़िला उनके बच्चों को हैंडल नहीं कर पा रही थी, वो बोर्डिंग स्कूल में भेजना चाहती थी. इसको ये कितनी बात सच्चाई है आप खुद बता सकती हैं? और दूसरी बात एंड ये भी है कि आपने ये कहा था कि हाँ मैं उनके बच्चे के साथ उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, इस बात में कितनी सच्चाई? पहला जो आपका सवाल था उस पर अगेन आई फील ये मुनव्वर के साइड से कहीं भी बात है तो उसका जस्टिफिकेशन वो ज़्यादा बेटर दे पाएंगे कि व्हाट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ. एंड जो सेकंड सवाल आपका है कि यू नो मैंने क्या एक्सेप्ट किया था, मैंने कुछ एक्सेप्टेंस या ऐसी चीज़ नहीं थी, बट मेरे साइड से आई नॉट जस्ट हिम, अगर कोई और भी होता तो मुझे आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद समबडी हैविंग अ किड या किसी का कुछ ऐसी चीज़ है या जो हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ गलतियाँ होती है या कुछ ना कुछ हिस्ट्री होती है तो उससे मुझे अफेक्ट नहीं करता. अगर मुझे कोई इंसान पसंद है तो मुझे वो इंसान उसकी पर्सनालिटी के लिए पसंद है, उनके जुड़े लोगों से या उनसे जुड़ी चीज़ों से अफेक्ट नहीं करेगा. क्या आपने सबसे बड़ी बात की थी कि मुनव्वर ने शादी का रिश्ता भेजा था, तो कौन वो महिला है उसके बारे में थोड़ा कुछ दर्शकों को आप बता दें, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से है या फिल्म इंडस्ट्री से नहीं, क्या वो इन्फ्लुएंसर भी है, क्या वो अंजलि अरोरा है, कौन है कुछ अगर आप बता. आपने ये भी कहा था कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी इशारा दिया था शादी के लिए. हाँ, और वो चीज़ उन्होंने शो पे भी एक्सेप्ट की है कि यू नो शो से पहले भी और शो पे भी रहते हुए भी उन्होंने मुझसे वो शादी वाली बात की थी. एंड रही बात वो नाम लेने की, अगर मुझे लेना होता तो मैं शो पे ही ले लेती, बट आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एनीबॉडी एल्सस नेम. एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि क्या मुनव्वर फारूकी जिस तरह से महिलाओं के साथ उनके इतने सारे रिलेशनशिप आ रहे हैं, अंजलि ने भी इस तरह का कहा कि कई सारी महिलाएं, तो डू यू थिंक ये एक अच्छा मैसेज जाएगा देश में कि अगर वो बिग बॉस की ट्रॉफी जीत पाते हैं या नहीं? आपको क्या लगता है एज ए वुमेन आप क्या सोचते हैं? क्योंकि जब आप बाहर निकले तो वो काफी रिलैक्स फील हो गए और उनकी गेम भी अभी दिखने लग गई है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली मैं उन्हें एज अ विनर नहीं देखती हूँ. आई फील वो एक रियलिटी शो है. रियलिटी का शो का मतलब ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी कितनी रियल है और आप कितने रियल आते हैं वो पता चले. एंड आप सब देख चुके हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ों पे फ्लिप ही किया है पूरे शो में. सो आई बिलीव कि वो अपनी चीज़ों को सीखें और समझें जो भी चीज़ हुई है उससे, बट आई डोंट सी हिम एज अ विनर. एंड यस, आई ऑल्सो फील कि अगर ही बिकम्स अ विनर इट वॉन्ट बी अ वेरी गुड मैसेज टू द सोसाइटी. टॉर्चर टास्क के बाद आप लोगों ने, आपने, ईशा ने, अंकिता, ये सब लोगों ने मनारा को बहुत कुछ बोला, और जिस पर वो डांस बार वाली बात हुई थी तब मनारा ने उनके फेवर में ये कहा कि हाँ वो डांस करके एटलीस्ट पैसे तो कमा लेती. आपने जो उसके बाद जो कमेंट किया, क्या आपको लगता है वो कमेंट सही था आपका? एंड टॉप वाला चीज जो दिखाना वो सही था? ओके, दोनों चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूँ. पहला, मैंने, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं, ईशा और अंकिता जी ने उसको बोला, तो अगर आप वो पूरी वीडियो देखेंगे तो मैंने कोई कॉमेंट मनारा पे नहीं किया था. कुछ बातें मैंने सुनी थी, और ये डांसर वाली बात तो मैंने उस वक्त सुनी भी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ से इतना, आप जब वहाँ रहेंगे तो आपको पता चलेगा कि शोर होता है कि आधी बातें समझ में भी नहीं आती है. बट मैंने वो गारमेंट वाली बात सुनी थी एंड एक दो चीज़ें सुनी थी, जिस पे मैंने रात में ईशा को, जब हम सो रहे थे तब मैंने उसको बोला भी था कि यू नो वो आपने एपिसोड में नहीं देखा होगा, बट अगर आप लाइव फीड चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं, जहाँ मैंने ईशा को बोला था कि यू नो आप ऐसी बात प्लीज़ मत करिए, इट्स नॉट गुड फॉर यू ऑल्सो एंड डू नॉट स्पीक अबाउट दिस थिंग्स. जहाँ वो शर्ट वाली बात है, वहाँ पे एक और बार यू नो मनारा को ही बोला जा रहा था कि जब वो मुनव्वर को यू नो वो मसालों के लिए प्रोटेक्ट कर रही थी तो वो उनके पास बैठी हुई थी तो सब उनको चीप बोल रहे थे या वगैरह चीज़ें बोल रहे थे, तब भी मैंने बोला था कि यू नो आप ऐसे प्लीज़ किसी को, लड़की को चीप मत बोलिए, शी इज़ जस्ट प्रोटेक्टिंग हिम एज अ टीम मेट. सो वहाँ पे भी मैंने स्टैंड लिया था. एंड रही बात शर्ट वाली, तो वहाँ पे आई डोंट नो इफ आपने देखा या नहीं देखा, या वो ओवरलैप में चला गया, शी वॉज कॉमेंटिंग ऑन मी कि मैं बहुत गंदा स्मेल करती हूँ एंड मैं चीप परफ्यूम यूज़ करती हूँ एंड समथिंग लाइक दैट. एंड ऑन वेरियस ओकेजन्स शी हैज़ मेड मी फील कि यू नो आप लाइक आई एम क्लासलेस या आई डोंट बिलोंग टू द प्लेस जहाँ से ये लोग बिलोंग करते हैं स्टफ़. तो उस मोमेंट पे मैंने बोला कि फिर आप ले लीजिए, स्मेल कर लीजिए मुझे, जब वो बोल रही थी कि यू नो यू स्मेल बैड. सो इट वॉज इन दैट सेंस एंड नथिंग एल्स. आयशा,
अभिषेक या अंकिता जी, दोनों में से जो भी जीत जाए, दोनों ही मेरे दिल के बहुत करीब है। आई विल बी वेरी हैप्पी। आयशा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, जब सलमान खान ने आपको काफी बैश किया और आपको चक्कर काफी आया, क्या क्योंकि सोशल मीडिया में वो वीडियो दिखाई दे रहा था कि आपने खुद को फूल करने की कोशिश की, क्या वो सच्चाई हो थोड़ा सा अगर आप बताइए, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि आपने हार्मफुल करने की कोशिश की, आप कुछ अगर आप बता दीजिए, चक्कर नहीं आया? Any done. Thank you. Thank you.